स्टेशन सेल से राजेश्वर ये बताओ कि इस वक्त हमारे रामगढ़ रियासत के क्या समाचार है? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? प्रजा खुशहाल है, प्रजा में कोई परेशानी नहीं है। राजन आपकी प्रजा हर दौर से गुजार है, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल है, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। राजन इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन मंत्री सब से महाराज, आज मैं तुमसे एक राज की बात तैयार करना चाहता हूँ। कौन सी सी बात है राजन जो आप मुझसे आया करना चाहते? परसों में शंकरगढ़ गया था, और शंकरगढ़ में सम्राटों की एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी। उस बैठक में कई देश के सम्राट इकट्ठा हुए थे। हमारे पड़ोसी देश पहाड़ गर्दियों का रहने वाला सम्राट विक्रम सिंह भी उस बैठक में आया था। लेकिन जिस वक्त सम्राट विक्रम सिंह उस बैठक में पहुंचा तो उसका बहुत बड़ा मान सम्मान हुआ, उसकी बहुत बड़ी सराहना हुई। उसका मान सम्मान देख करके हमारा सर शर्म से झुक गया, और मैं लज्जित होकर के वापस चला। संसद से कोई ऐसी तकलीफ निकालो कि जिससे कि पहाड़गढ़ की रियासत हमारे रामगढ़ की रियासत में मिल जाए, और हमारी ये रामगढ़ की रियासत एक बहुत बड़ी रियासत में बदल जाए। इसके लिए कुछ तरकीब निकालो। इसका मतलब सम्राट विक्रम सिंह के पास बहुत बड़ी जागीर है, और पहाड़गढ़ की रियासत इस रामगढ़ रियासत में मिल जाए तो रामगढ़ की रियासत बहुत बड़ी रियासत बन जाए। क्यों नहीं शमशेर से जितनी बड़ी रियासत सम्राट विक्रम सिंह के पास है किसी भी सम्राट के पास नहीं है। आप सत्य कहते हैं राजा महाराज, इसके लिए एक उपाय है। मैं शिव सम्राट विक्रम सिंह के राव एक मजबूत तैयार करता शिवाही चाहिए तो काफी और कलम भी कराए। हमारे रामगढ़ रियासत में मिला था, अगरचे मिलाने से इनकार किया था, बहुत बड़ा खून खराबा होगा। इतना ही नहीं, चंगे मैदान में जंग करना होगा। सम्राट पदम सिंह रियासत रामगढ़ लो, और इसे लेकर तुम्हें पहाड़ का जाना सम्राट विक्रम सिंह गया। विक्रम सिंह से जाकर कह दे जाओ कि अपनी पहाड़गढ़ की रियासत हमारे रामगढ़ रियासत में मिला दे। आज मिलाने से इनकार किया हो तो बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता है। इतना ही नहीं, चंगे मैदान में चंग करना भी होगा।
जाओ शिव तुम रियासत बाहर गए बिल्कुल नहीं देंगे लड़ाई झगड़ा का बिल्कुल करेंगे। ऐसा करो अब हमारे घर तुम चले जाओ हमें मेहनत कहो चूड़ी उड़ी पहुँच जाए कहे चूड़ी फोड़ जाए सेंदू दोनों पोष जाए उजरई साड़ी मंगाई पहले पता नहीं आई कि मर जाए एडवांस काम कराई ये बात बताई एकदम जरूरत नहीं है ना तो सफेद साड़ी पहनी ना चोरी कुचाई काहे कि अब तो हम खुदा ही जिंदा है यार बहुत सही हम पहाड़ गांव से कि हमारे घर से हमारे घर का ही तुम देखायू ना पड़ियो काहे तुम तो साहब क्या कहो कैसे हिया नौकरी किराए जाए कि लौटी आए हो यार आओ का छुट्टी नहीं पड़ते तुम्हारे घर में हम नहीं जाए तुम्हारे घर में सही महाराज आप मुझे हुक्म दे और मैं पहाड़ के लिए रवाना हो जाऊँ तुम जाओ हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तुम्हें वहाँ कुछ नहीं होगा क्या जाओ किसी दुश्मन के हाथ ना मंत्री सचेत सिंह राजन अपना भेजा हुआ दूत वो पहाड़ कर दिया सब गया क्यों नहीं राजन और अगर सम्राट विक्रम सिंह अपनी रियासत को हमारी रियासत में मिला देगा तो कोई खून खराबा नहीं होगा महाराज जरूरत है चलो अब इसके आने का इंतजार ठीक है देखिए हमारा दूसरा पैगाम लेकर आता है।